नमस्कार दोस्तों, नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली का हुआ ब्रेकअप, जानिए क्या रहा इसका कारण। बॉलीवुड की सबसे मशहूर गायिका नेहा कक्कड़ ने कुछ दिन पहले एक रियलिटी शो में हिमांश कोहली के साथ अपने रिश्ते को स्वीकारा था। मशहूर टीवी शो इंडियन आइडल पर जब हिमांश कोहली मुख्य अतिथि बनकर आए थे, उस वक्त नेहा और हिमांश ने अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने रख दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों के फैंस के लिए बुरी खबर है। सोशल मीडिया की खबरों की माने तो दोनों का अब ब्रेकअप हो गया है, इस बात की पुष्टि की जा रही है। दोनों ने मीडिया के सामने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। इसी बात से यही अंदाजा लगाया सकता है कि दोनों के रिश्तों में दरार आ गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नेहा का शो लखनऊ के चारबाग के रेलवे स्टेडियम में था। ये शो शानदार रहा और नेहा ने अपने फैंस का खूब मनोरंजन किया। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस शो में जाने के लिए हिमांश ने नेहा को मना किया था और कहा था कि वहां शो करने में कठिनाई हो सकती है। इसके बावजूद नेहा ने अपने बॉयफ्रेंड की बात नहीं मानी और वहां चली गई। नतीजा ये रहा कि वहां की पुलिस भीड़ को नियंत्रण कर नहीं पाई और भीड़ बेकाबू हुई, जिससे भगदड़ भी मच गई। लोग जूते चप्पल उठाकर अपनी जान बचाकर भागे। आसपास के इलाके में लंबा जाम लगा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यही वजह थी कि हिमांश कोहली नेहा से नाराज हो गए थे और शायद यही वजह उनके ब्रेकअप की वजह बन गई। हालांकि दोनों तरफ से अभी तक कोई बयां पुष्टि नहीं आई है जिसमें उन्होंने ब्रेकअप की पुष्टि की हो, लेकिन दोनों ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से एक दूसरे के साथ वाली सभी फोटोज और वीडियोज डिलीट कर दिए हैं। इन सभी बातों से ऐसा लगता है कि वे दोनों अब साथ नहीं है। तो अगर आप नेहा के फैन हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।